नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ स्पेशल कहरवे के अंदर। कहरवा आठ मात्रा, इसमें जो मैं आपके लिए बोल लेके आया हूँ, ये संगत के लिए बेहद खूबसूरत बोल है। यदि आप कहीं भी इसको संगत मिलाते हैं, भजनों में, गुरबानी में, शबद कीर्तन में, अपने सुंदरकांड में, कहीं भी आप इसको यदि उपयोग में लाते हैं, तो ये बेहद खूबसूरत बोल आपके लिए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। बहुत सुंदर बोल है। कुछ इनके वेरिएशंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आप इसको देखें और मैं इसको आपको स्लो मोशन में इसका विस्तार समझाऊंगा। शुरू करते हैं पहले बोल से। बहुत सारे वेरिएशंस आज आपके सामने हैं, देखिएगा। पहला बोल कुछ इस प्रकार से है। बोल है हमारा धा धिनाधिट ता धिनाधिट। बेहद सरल बोल है, धा धिनातिट ता धिनाधिट। देखिए इसका स्लो मोशन कैसे बजता है। धा धिनातिट ता धिनाधिट। अब इसमें एक खासियत है, जो हम धिट बजा रहे हैं या तिट बजा रहे हैं, वो हमारे राइट हैंड पे टी ट, मतलब फर्स्ट फिंगर से ती, सेकंड थर्ड से ट, ती ट, और धिट के लिए हम इसमें घे का प्रयोग जोड़ देंगे। धिट इस प्रकार से बनेगा। तो धा धीना तिट ता, इस ता के ऊपर आपको थाप लेना है। धा धीना तिट ता धीना धिट। जो पहला बोल था आपके सामने, मैंने इसको प्रस्तुत करा और इसका स्लो मोशन भी आपको बताया। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं हम। जहाँ हमने धा धिना तिट ता धिना धिट लिया, तो हम ता धिना धिट की जगह ताता धिना धिट, मतलब दो बार ता का उपयोग कर सकते हैं एक ही मात्रा में। देखिए कैसे होगा। तो बोल का आपको एक बार फिर से स्लो मोशन बताता हूँ इसका। धा धीना तिट ताता धीना धिट। कुछ भी फर्क नहीं हुआ, सिर्फ जहाँ एक बार ता बजा रहे थे उसकी जगह हमने दो एक साथ लगा दिए। अब इसी में यदि हम अगला वेरिएशन बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा देखिए। देखिएगा, यदि आप थाप के बारे में बात करें, यदि आप एक बार थाप मारते हैं सिर्फ ता बोल पे, जैसे देखिए धा धीना तिट ता धीना धिट, कुछ इस प्रकार से, तो ये ता वाले बोल की जगह यदि आप तिट पे भी एक बार थाप ले लेंगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। कैसे देखिए। से आप दो बार भी थाप ले सकते हैं तो ये खूबसूरती को डबल कर देगा। अब चूंकि मैं तीसरा आपको एक वेरिएशन बता रहा था, देखिए आप।
बोल है हमारा धाता धिनातिट ताता धिनातिट। बेहद सरल बोल है, जहाँ हमने सिर्फ शुरुआत का पहला बोल जो था हमारा धा, उसके साथ धाता मतलब एक बार ता को और जोड़ दिया उसी मात्रा के अंदर। देखिए कैसे बजेगा, इसका स्लो मोशन देखिए। धाता धा और ता, धाता धिनातिट, फिर ताता धिनातिट, कुछ इस प्रकार से हम इसको बजाएंगे। बेहद सरल बोल है और बेहद खूबसूरत बोल है। ये तीनों वेरिएशन एक साथ इसलिए मैंने बताया कि जैसे आप मान लीजिए संगत कर रहे हैं और आपने शुरुआती बोल लगाया धा धिनातिट ता धिनातिट, कुछ इस प्रकार से, तो आप इसके साथ ये वेरिएशन यदि दो बार ता वाला या दो बार धाता ताता वाला बोल यदि आप लगाते हैं तो ये खूबसूरती लाता है। ऐसा लगता है कि हाँ इसमें एक नया वेरिएशन बजाते बजाते आपने एक नया वेरिएशन जोड़ दिया। अब इसी प्रकार से एक अगला नया बोल आपके सामने लेके आया हूँ, देखिएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा धेता धिनता तित धा धिनता, कुछ इस प्रकार से धेता धिनता तित धा धिनता। बेहद सरल बोल, बेहद खूबसूरत बोल। इसके अंदर एक जो उछाल है मतलब इस बोल की, वो इसकी खूबसूरती है। देखिए मैं आपको इसका स्लो मोशन समझाता हूँ। धेता धिनता, हमको पहला वाले बोल को क्लोज रखना है, ता धिनता, और दूसरा जो धीन है उसको हमको खोलना है। धेता धिनता, फिर तित धा धिनता, धेता धिनता तित धा धिनता, धेता धिनता तित धा धिनता, कुछ इस प्रकार से। तो फिर से आप स्लो मोशन देखिए। धेता धिनता तित धा धिनता, कुछ इस प्रकार से बजेगा। धेता धिनता, फिर तित धा धिनता। ये हमारा बोल है शुरुआती, बेहद खूबसूरत बोल है। यदि आप इसे बजाते हैं कहीं भी संगत में तो ये बहुत खूबसूरती से लगता है। चलन में आपको इसके साथ फिर से एक बार बजा के बताता हूँ। अब इसमें हम एक नया वेरिएशन डालेंगे, जहाँ हमने धेता धिनता तित धा धिनता बजाया, हम यहाँ पे दूसरे विभाग में तित धा धिन धा मतलब जो आखिरी में ता बज रहा है उसे भी धा के रूप में बजाएंगे। कैसे बजेगा देखिए। धिता धिनता तित धा धिनधा, जहाँ हमने आखिरी में ता लिया था पिछली बार उसे हमने धा बना लिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जहाँ हम इसमें थाप ले रहे हैं, दो जगह पे आप थाप ले सकते हैं इसकी, तो कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं। धिता धिनता, एक यहाँ पे भी आप थाप ले सकते हैं, ये ना भी लें तो कम से कम तित वाले बोल पे तो आप लेना ही चाहिए। देखिए कैसे। धिता धिनता, फिर तित धा धिनधा, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तित वाले बोल पे यदि आप एक थाप लेते हैं तो सुंदरता आएगी उसमें। तो ये जो बोल है इसका स्लो मोशन आपको समझाता हूँ। धिता धिनता, फिर तित धा धिनधा, एक साथ तीन डग्गे के प्रयोग हो जाएंगे जहाँ पे धा लगेगा। देखिए किस प्रकार से।
प्रकार से यदि एक धा आप ज़्यादा लगाते हैं तो एक खूबसूरती और बढ़ती है और सुंदरता आती है बोल में। यदि हम तीन धा एक साथ लगाते हैं तो उसका एक वजन बढ़ जाता है धा का इस पूरे बोल में, तो एक भरावट महसूस होती है। अब थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं इसी बोल में, और कुछ वेरिएशन बना के बताता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे बजेगा। बोल है हमारा धिता धिनता तिता धा धिनता, धिता धिनता तिता धा धिनता, बेहद सरल बोल है। इसका आपको स्लो मोशन बताता हूँ। धिता धिनता मतलब पहला वाला जो विभाग है हमारा वैसे ही है, धिता धिनता, फिर तिता मतलब जो हम तित ले रहे थे उसकी जगह तिता लेंगे हम। धिता धिनता तिता धा धिनता ये हमारा है तिता धा धिनता, तिता धा धिनता, तिता धा धिनता ये हमारा जो दूसरा विभाग है कुछ इस प्रकार से। फिर से आप समझिएगा इसको स्लो मोशन में, तिता ता धिनता, तिता धा धिनता, तिता धा धिनता कुछ इस प्रकार से, तिता धा धिनता, तिता धा धिनता कुछ इस प्रकार से। देखिए आप इसको चलन में हम कैसे बजाएंगे इसको। चूँकि धा दो बार एक साथ बिल्कुल लगते हैं धा धिन, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना है कि आपके हाथ को बहुत फास्ट वर्क करना पड़ेगा इस बोल के लिए। दूसरा विभाग है उसको ही हमको समझना है, तिता धा धिनता कुछ इस प्रकार से, तिता धा धिनता। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में ये अच्छे से आ जाएगा। इसी में लास्ट वेरिएशन जो है आज का वो बता दूं मैं आपको, जहाँ हमने दूसरे विभाग में तिता धा धिनता इस प्रकार से करा था, यही की यही पैटर्न हम पहले विभाग में भी लेके जाएंगे। देखिए कैसे, धिता धिनता तिता धा धिनता, बेहद सरल बोल है। ये सारे बोल मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसका स्लो मोशन समझते हैं हम कैसे बजेगा। धिता अभी जो धिता बज रहा था उसकी जगह हम धिता था कुछ इस प्रकार से, जहां धित बजा रहे थे वहां हमको धिता ये बोल को बजाना है। धिता ता धिनता ये हमारा पहला विभाग है, फिर से समझिएगा। जहाँ हम धित बजा रहे थे धिता धिनता कुछ इस प्रकार से बजा रहे थे, तो इस धित की जगह हमें धिता ऐसा बोल बजाना है, धिता ता धिनता ये पहला विभाग। फिर दूसरा विभाग हमारा है तिता धा धिनता, तिता धा धिनता ये आप समझ गए। इसको आप स्लो मोशन में आप समझेंगे जैसे मैं बजा रहा हूँ आपके सामने, इसको धीरे 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 प्रैक्टिस में लाने से आपके हाथ में ये आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे, फिर से एक बार इसका स्लो मोशन समझिएगा। धिता ता धिनता, फिर तिता धा धिनता, thank you।
प्रकार से कुछ वेरिएशंस मैंने आपको सिखाए हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का चलन है, ये बहुत खूबसूरत बोल है। इसे आप किसी भी जगह पर आप संगत में लगाएंगे, यदि इस बोलों को बोला जाए तो असली में ये सब संगत स्पेशल बोल हैं। जब आप कहीं भी संगत करते हैं, लाइट म्यूज़िक आप या जी भजन में कहीं भी आपको संगत करते हैं तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। सारे बोल डिस्क्रिप्शन नीचे लिखे हुए हैं, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। कुछ समय से अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, बहुत सारी एंट्रियाँ डेली होती हैं। यदि और किसी व्यक्ति को मुझसे तबला डायरेक्टली सीखना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करके आप ऑनलाइन क्लास की जानकारी ले सकते हैं और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।